अमरनाथ आपदा में मृतकों की तादाद अब बढ़ गई है। आपदा में अब तक 16 लोगों की जान चली गई, ये अपडेट है। लापता 41 श्रद्धालुओं की तलाश अभी भी जारी है। अमरनाथ आपदा में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लापता 40 लोगों की तलाश जारी है। मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिसको ढूंढने के लिए स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। सेना के जवान मलबे में ही नहीं बल्कि तेज बहते पानी के बीच जाकर भी जवान लोगों को तलाश रहे हैं। डंडों की मदद से ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति पत्थरों के बीच फंसा तो नहीं है। सेना के मुताबिक हादसे में पीड़ित सभी को बचाने की कोशिश की जा रही है। हादसे के बाद से ही NDRF, SDRF, CRPF, IDVP और सेना सहित कई टीमें रेस्क्यू में लगी हैं। CRPF ने यहां एक अस्थायी अस्पताल बनाया है। जो मरीज गंभीर हैं, उन्हें बालटाल के मुख्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के जवान भी खराब मौसम के बावजूद MI-17 V5 और चीतल हेलीकॉप्टर से हताहतों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा और यात्रा को दोबारा शुरू करने के लिए एक बैठक की, जिसमें घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक के बाद LG मनोज सिन्हा ने कहा कि हम यात्रा को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष की टीम अमरनाथ में ग्राउंड जीरो पर है। अमरनाथ गुफा के पास शाहदरा लंगर से हमारे सहयोगी कुमार कुंदन की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त उस ग्राउंड जीरो पे पहुंची है, जहां पे कि आज से अभी से ठीक 24 घंटे पहले आपदा आई थी। एक ऐसी आपदा जिसने बहुत कुछ तबाह कर दिया। जी हां, हम मौजूद हैं बाबा बर्फानी के ठीक सामने में। हमारे ठीक ऊपर जो आप देख रहे हैं वो बाबा बर्फानी का गुफा है, और इसी गुफा के नीचे इतनी बड़ी तबाही आई जिसने सब कुछ को तबाह कर दिया। यहाँ पे ठीक 2 लंगर थे, एक मानसा वालों का और दूसरा शाहदरा वालों का। अब कुछ भी नहीं बचा है सिवाय इस बोर्ड के, जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ लंगर है। बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर यह बताने के लिए काफी है कि कितना भयानक मंजर रहा होगा और किस तरह की तबाही आई होगी। ग्राउंड जीरो पे TV9 सबसे पहले पहुंच के आपको पूरी दिखा रहा है, और यहाँ पे ITBP, इंडियन आर्मी, इसके अलावा CRPF, NDRF सब लोग लगे हुए हैं। रात में भी ऑपरेशन चल रहा है, और उस ऑपरेशन के माध्यम से पूरी यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, और उसके माध्यम से सब कुछ हो रहा है। कितनी बड़ी आपको लग रहा है आपके यहाँ पे आपदा आई थी, और किस तरह से रेस्क्यू वगैरह चल रहा है? 5:30 से लाइट आया, कुछ पता नहीं, हम भागने की कोशिश की ऊपर अमरनाथ गुफा के पास, पूरा तबाही मचाई, यात्रा भी कुछ हो गया, हमारे दुकान भी पूरे तबाह हो गए। 5:30 और अमरनाथ हादसे के बाद मनसा लंगर में कैसे हैं हालात, TV9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार कुंदन ने इसका भी जायजा लिया है। एक और उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 2 यहाँ पे लंगर चल रहे थे, एक शहादरे वालों का, दूसरा मानसा वालों का। जो हमारी दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये मानसा की तस्वीर है, और ये लंगर भी पूरी तरीके से तबाह हो गया है। कुछ भी नहीं बचा है, टेंट वगैरह कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक बार में बहा ले गया, तबाह हो गया, और यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशा बचे हुए हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम आपको दिखा रही है। एक बात बताएं, ये यहाँ पे कौन सा लंगर था और कितने लोग यहाँ पे थे उस वक्त? के सेवादार थे, यहाँ 45 लोग सेवा कर रहे थे, और करीब 800,000 बंदा यहाँ पे लंगर में आसपास था। उस वक्त जो ऊपर से जहाँ से सैलाब आया है, तो उस सैलाब में बड़े बड़े बोल्डर आए हैं, और सभी यात्रियों को यहाँ से निकाला गया है, और जितना भी है अपने सारी खाद्य सामग्री वगैरह सब डूब गई। कितने कैजुअल्टीज वगैरह भी यहाँ पे हुई है? हमारे यहाँ तो इस लंगर में तो अभी तक हुई नहीं है कैजुअल्टी, पर तकरीबन यहाँ पे जो अनुमान है 18-20 के आसपास होना चाहिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कम से कम कैजुअल्टी हो और ज्यादा से ज्यादा जल्दी ये सारी रिस्टोर हो जाए।